नमस्कार, मैं स्वाति। आज शनिवार का दिन है। कहते हैं इंसान की जिंदगी में धर्म और कर्म का बहुत ही महत्व होता है। सभी लोगों को अपने धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसी क्रम में आज शनिदेव के एक प्रसिद्ध मंदिर के बारे में जानेंगे और कुछ उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स को भी जानेंगे। शनिवार का दिन शनिदेव का दिन भी माना जाता है। शनिदेव कर्म के देवता और एक ग्रह भी माने जाते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि शनिदेव सूर्य और छाया के पुत्र। अब हम आपको बताते हैं कि शनि भगवान के एक सुप्रसिद्ध मंदिर के बारे में। भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। शनि धाम के रूप में इस मंदिर की मान्यता देश भर में है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन और पौराणिक मंदिर है। कहते हैं यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। चमत्कारों से भरा हुआ यह स्थान लोगों को सहसा ही अपनी ओर खींच लेता है। अवध क्षेत्र के एकमात्र पौराणिक शनि धाम होने के कारण प्रतापगढ़ बेल्हा के साथ साथ कई जिलों के भक्त आते हैं। प्रत्येक शनिवार को भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनिधाम एक श्री यंत्र की तरह है। दक्षिण की तरफ प्रयाग, उत्तर की तरफ अयोध्या, पूर्व में काशी और पश्चिम में तीर्थगंगा है। इससे इस शनिधाम की मान्यता और भी बढ़ जाती है। इस मंदिर के संदर्भ में अनेक महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं जो इसकी चमत्कारों की गाथा और इसके प्रति लोगों को अगाध श्रद्धा को दर्शाते हैं। मंदिर के विषय में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक मान्यता है कि शनि भगवान की प्रतिमा स्वयंभू है, जो कि कुशफरा के जंगल में एक ऊंची टीली पर गड़ा पाया गया था। मंदिर के महंत स्वामी परमा महाराज ने शनि के प्रतिमा खोजकर मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर बकुलाही नदी के किनारे ऊंचे टीले पर विराजे शनिदेव के दरबार के दर्शन के लिए प्रत्येक शनिवार श्रद्धालु पहुँचते हैं। हर शनिवार को मंदिर प्रांगण में भव्य मेले का आयोजन होता है। शनिदेव को सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। प्रत्येक शनिवार को शनि भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। आइए श्रद्धालुओं का क्या कहना है इस मंदिर के बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ की मान्यता है शनिदेव धाम में दर्शन करने जो लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। आप भी आए हैं तो क्या ऐसा लगता है? यहाँ पे भैया जो भी लोग आते हैं उन बाबा का इतना प्रताप है, इनकी इतनी महिमा है कि जो भी लोग यहाँ आते हैं उनका मनोरथ पूरा होता है। और जो भी आते हैं वो इतना इनकी कृपा है कि एक बार जो आया वो बार बार आता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनके दरबार से जो जुड़ा है वो कभी पीछे नहीं गया, वो आगे ही गया है। और यहाँ बकुलाही नदी भी है, एक आकर्षक अपने आप में जो है बाबा का जो है दिया हुआ है, बकुलाही नाम से भी जाना जाता है। इसका शुद्ध नाम भैया रामायण में बालकुनी है, ये हम आप देशज की भाषा में इसको पकुलाई बोलते हैं। और यहाँ ये जो है नदी में हमेशा पानी रहता है और यहाँ पे महाराज जी इसमें नदी में ये चारा थोड़ा बहुत मतलब कि जो भी व्यवस्था होता है डलवाते हैं, मछलियाँ इसमें रहती हैं। यहाँ पे मछलियों को किसी को मारने नहीं दिया जाता है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंकुश सिंह है। यहाँ जो लोग दर्शन करने आते हैं कहते हैं कि मनोकामना पूरी होती है, क्या ऐसा है शनिदेव धाम में? हाँ हाँ हम होता है, हम मतलब कई लोग दर्शन करने आते हैं यहाँ पे और हम भी आते रहते हैं कभी कभी, तो बहुत मतलब अच्छा लगता है। मतलब दर्शन भगवान की दुआ से जो मनोकामना मांगते हैं सब उसको पूरा करते हैं, ये मेरा मानना है। क्या नाम है आपका? मुकेश पाल। शनिवार के हर मेले में भारी संख्या में भक्त दर्शन पूजन करते हैं। पुजारी बताते हैं कि यहाँ आदिकालीन वाल्मीकि जी का आश्रम रहा है और यह गांव कुशफरा है जहाँ कुश पैदा हुए थे। पहले था यह कुशपुरा, उसके बाद यह कुशफरा हुआ। शनिदेव बाबा की आशीर्वाद से यहाँ आज बड़ी विचारधारा मंदिर बनकर तैयार हुई है। गेस्ट हाउस भी है और पुलिस चौकी भी है, अस्पताल भी है, विद्यालयों, सौर ऊर्जा के प्लांट्स भी लगे हुए हैं और दर्शनार्थी के रहने की व्यवस्था भी यहाँ पर है। और यहाँ जिसको कहीं भी भोजन न मिलता हो शनिदेव मंदिर पर उसको भोजन की पूर्ण रूप से व्यवस्था रखी गई है। खाने के लिए, सोने के लिए उसको पूर्ण रूप से दिया जाता है, उसकी व्यवस्था की गई है। यहाँ गौशाला भी है। मान्यता है कि जो एक बार बाबा के दरबार में आ जाता है बाबा सबके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। बाबा वर्मा महाराज का घर 10 किलोमीटर दूर जलालपुर गांव कटरा मेदनीगंज के हैं। बाबा वर्मा महाराज ने फास्ट न्यूज इंडिया को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप लोग खूब फूले बढ़े और देश समाज को सुधारने का कार्य करते रहे, जनता की आवाज को इसी तरह से बुलंद करते रहे। आइए जानते हैं
बाबा और कुछ क्या बताते हैं। महाराज जी, शनि देव धाम की प्राथमिकता जो है, यहाँ की पौराणिक कथा क्या है? यहाँ की पौराणिक कथा बाबू ये है कि ये आजकालीन वाल्मीकि जी का आश्रम रहा यहाँ, और ये कुशपरा गांव है जिसका कुशपरा, और जिस जहाँ कुश पैदा हुए थे पहले था ये कुशपुरा, कुशपुरा के बाद ये कुशपरा हुआ। यहाँ पर भगवान शनिदेव स्वयं प्रकट हुए हैं और यहाँ स्वतः मूर्ति मिली है, स्वयंभू मूर्ति है। ये मूर्ति कहीं से खरीदी नहीं गई है और न कहीं से लाई गई है। एक टीला था, ये करीब करीब बहुत बड़े जंगल के बीच में ये एक टीला था, उसी टीले पर ये मूर्ति पड़ी रही। 86 में हम यहाँ आए हैं तो उसी टीले के सहारे सहारे जो है यहाँ आकर के, और आज यहाँ पर जो है बाबा के प्रताप से, बाबा के प्रभाव से गेस्ट हाउस भी है, पुलिस चौकी भी है, अस्पताल भी है, विद्यालय भी है, और सौर ऊर्जा के तमाम प्लांट यहाँ लगे हुए हैं, स्टेट ट्यूबवेल भी यहाँ है, और दर्शनार्थियों के रहने के लिए सुविधा भी यहाँ है। और यहाँ जिसको कहीं भोजन न मिलता हो संदेव मंदिर पर, उसके लिए भोजन की पूर्ण रूपेण व्यवस्था रहती है कि यहाँ खाने के लिए और सोने के लिए उसको पूर्ण रूपेण जो है उसकी व्यवस्था की गई है। और यहाँ गौशाला भी है, गौवियाँ भी पाली गई हैं, जो गौवियाँ यहाँ अपने आप उनको उनका पूरा बंदोबस्त रहता है। यहाँ सारी व्यवस्था जो है बाबा की कृपा पर और बाबा के प्रभाव से है, और सारी कृपा बाबा की है। यहाँ सड़क भी है, पुल भी है। अगर जो है बात की जाए बाबा की जो है, तो यहाँ जो है जो शनिवार को जो है भोग लगता है, कितने प्रकार का भोग लगता है यहाँ? बाबा का भोग तो कई प्रकार का लगता है, लेकिन 56 प्रकार का भोग जो है वो विशेष पर्वों पर लगता है। और रोज तो जो है इनको लड्डू का और ये सब तमाम तरीके के मेवा मिष्ठान ये सब सारे भोग यहाँ लगते हैं, लेकिन उसकी गिनती गणना नहीं है कि कितने गणना हो जाती है काफी मात्रा में, और काफी गणना के हिसाब से बाबा का भोग लगता है। तो श्रद्धालु आते हैं, पौराणिक कथा है कि अगर जो श्रद्धालु आते हैं उनको खुद ही खींच के जो है बाबा जी ले आते हैं, अपने आप लाते हैं बाबा के प्रभाव पर। एक मर्तबे जो इस स्थान पर आ गया उसको यहाँ बार बार आना है और उसके मनोरथ को पूर्ण करना है। बाबा हमारे जो है ये सबके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। यहाँ हिंदुस्तान की कोई ऐसी डिग्री डिप्लोमा नहीं है जिस डिग्री और डिप्लोमा के लोग यहाँ ना आते हो और सबका मनोरथ न पूर्ण होता हो। बाबा आपका नाम क्या है? परमा महाराज। और हमारा घर यहाँ से है 10 किलोमीटर दूर, जलालपुर गांव है, पोस्ट ऑफिस कटरा मेदनीगंज है। यहाँ आने वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अपने टीवी चैनल वालों को आशीर्वाद देंगे बाबा के माध्यम से कि आप लोग खूब फलें फूलें और देश में समाज में समाज को सुधारने का काम करें, और इस तरीके से जनता की आवाज़ को बुलंद करते हुए आप लोगों को गाइड करें, उनको एडवाइस दें कि वो लोग सच्चा काम और सच्ची सेवा करें ताकि देश का कल्याण हो, और कोरोना से बचने के लिए लोग गवर्नमेंट के बताए हुए सरकार के बताए हुए नियमों का पालन करें, तभी हमारे देश का कल्याण होगा। बोल संदेव भगवान की जय। इस मंदिर परिसर के द्वारा मछलियों को चारा डाला जाता है और किसी को भी मछलियां पकड़ने की अनुमति नहीं है। श्रद्धालु मुकेश पाल का कहना है कि जो भी श्रद्धालु यहां आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे ही कहानी के साथ एक बार फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।